नमस्कार। आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम बात करेंगे महिलाओं की, हम बात करेंगे उस नारी शक्ति की जिसकी वजह से हमारा, आपका, हम सबका अस्तित्व है। लेकिन सिर्फ इतना कह देने भर से काम नहीं चल जाता है, तो हम आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने इस पूरे पिंक पावर पॉडकास्ट के दौरान लेकर आएंगे, जो आपको बताएंगे कि कैसे महिलाओं ने बहुत सारे लोगों को ये प्रूव किया है कि आप कंपैरिजन जो करते हैं कि ये पुरुष है, ये महिला है, ये पुरुष के लिए है काम और ये महिलाओं के लिए काम नहीं है, वो गलत है। और ऐसे ही तमाम नामों के बीच एक नाम हमारे साथ है जो एशिया के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स के तौर पर जानी जाती हैं और इंडियन फुटबॉल टीम की कैप्टन है, आशा लता देवी जी हमारे साथ हैं। आशा लता जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये जर्नी शुरू कैसे हुई थी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, मणिपुर जैसे जगह से, इम्फाल में आप पैदा हुई, वहां से फुटबॉल चूज करना एक महिला होगी, क्योंकि महिलाओं के मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस दौर में जब आपने शुरू किया था तो शायद आपके स्कूल में महिलाओं की, लड़कियों की फुटबॉल टीम भी नहीं थी शायद। जी, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने कोई प्रोफेशनल प्लेयर या कोई यहाँ पे कोई एक लड़की को खेलते हुए नहीं देखी थी, बट मैंने स्कूल की स्पोर्ट्स में मैंने बॉयज टीम को खेलते हुए देखा था। तो सबसे पहले मैंने स्कूल के जो टीचर है उनको जाके बोला था कि हमें भी खेलना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि फुटबॉल एक दो प्लेयर से खेला नहीं जाता, पूरा टीम बनाना पड़ता है। इसलिए मैंने बाकी जो मेरे दोस्त है उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हम खेलते हैं और हमें खेलना चाहिए। तो हमने ऐसे ही मतलब तुरंत दो टीम बना के स्कूल के स्पोर्ट्स में हमने अटेंड किया था, तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, और कितना आसान और कितना मुश्किल था महिलाओं की, लड़कियों की टीम बनाना अपने आप में, ये सोचना, क्योंकि आपने तो सिर्फ लड़कों को देखा था फुटबॉल खेलते हुए, ये सोचना और स्पोर्ट्स टीचर जिन्होंने ये अलाउ किया कि हाँ ठीक है लेट्स डू दिस, वो दौर कैसा था, कितना मुश्किल था ये? क्योंकि मैं शायद 6 या 7 क्लास में पढ़ रही थी, तो बाकी जो मेरे दोस्त है उन लोगों को भी ऐसे ही बाकी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, पर इसलिए उस टाइम पे इतना मुश्किल नहीं हुआ था। उन लोगों को भी मतलब ऐसे ही मजे के लिए और इंजॉय करने के लिए ही हाँ बोल के ही खेलना शुरू किया था। तो बट बाद में जब उसके बाद मैं घर से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक्चुअली फुटबॉल खेलना चाहती हूँ और मैं एक अच्छा प्रोफेशनल की वे में जाना चाहती हूँ, तो मेरे घर वालों अलाउड नहीं कर रहे थे कि स्पेशली मेरे मम्मी, क्योंकि उनको पढ़ाई में ध्यान देने के लिए बोलते रहते थे और फुटबॉल बहुत पेनफुल गेम है और बहुत चोट लगती है और एज ए गर्ल्स खेलने में सही नहीं है, ऐसे करके मेरे मम्मी ने बहुत मना किया था। नहीं, मैंने सुना है कि आपको बहुत पिटाई भी हुई थी, आपकी मम्मी ने बहुत मारा था आपको। जी जी, स्टार्टिंग में जब मैं चुपचाप खेलने चले जाती हूँ स्कूल की बात, तो मैं बिना बता के जाती हूँ, क्योंकि बता देते तो मम्मी हमेशा मना कर देते कि क्यों जाना है, पढ़ाई करो ये, तो इसलिए मैं हमेशा बिना बता के स्कूल खत्म होते ही मैं ग्राउंड चले जाती हूँ। तो वापस आने के टाइम पे बहुत मार खाते थे, बहुत डांटते थे मम्मी। अच्छा, अब बाकी लोगों का रिएक्शन क्या था? ठीक है, मम्मी थी वो कंसर्न थी, चोट लग सकता है, या उस समय माहौल नहीं था कि लड़कियां फुटबॉल खेले वहां पे आपके एरिया में, लेकिन बाकी लोग, मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, जो आपको जानने वाले लोग थे, उनका क्या रिएक्शन था आपके फुटबॉल खेलने को लेकर? कुछ लोग बहुत ताना मारते थे कि लड़कियां खेलने की भेज रहे हो, और क्योंकि हमने हमारे पहले एक शायद मैंने सुना था पर मैंने देखा नहीं था, एक वुमेन्स का टीम बनाई हुई थी, पर सब लोग ऐसे कुछ सालों के बाद किसी का शादी हो गया, किसी का अपना अपना जॉब हो गया, इसलिए सब वो टीम अच्छे से नहीं बन पाया। तो हमेशा हमारे ऊपर ही वही वो दिखाते और वही बताते रहते कि तुम लोग की पहले काफी लड़कियां ने कोशिश किया था पर कामयाब नहीं हुआ, इसलिए तुम लोग भी ऐसे ही करते,
ऐसे ही करके फिर लाइफ खत्म हो जाएगा, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगा और कुछ साल के बाद तुम लोगों का शादी हो जाएंगे ये वो, तो बहुत सारी चीजें सुनने के लिए मिलता था। और मतलब स्पेशली मेरे अंकल ये लोग मेरा सपोर्ट में थे, क्योंकि अंकल को थोड़ा फुटबॉल पसंद है और उन्होंने एक मेरे घर के पास में जो क्लब है उनका स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रह चुके थे, तो उन्होंने काफी मेरा हेल्प किया था, इसलिए मुझे इस जर्नी में आने में अंकल का बहुत हेल्प मिला था मुझे। ठीक है, आपकी जर्नी में आगे क्या हुआ वो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज और बताइए कि आपके साथ, क्योंकि दो टीम बनी उस दौरान में, आपके साथ बहुत सारी लड़कियां और आई होंगी, सबके पास आपके जैसे अंकल नहीं थे, उन लोगों का क्या हुआ? काफी मतलब जो हमने मैच खेला था उसके बाद काफी लोगों ने खेलना छोड़ दिया, हमें शायद 10-15 लोग ही थे बस, बाकी सबने छोड़ दिया कि नहीं खेलना है करके, पर कुछ लोगों की घर वाले मतलब सपोर्ट में थे और कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं थे, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम थे और इसलिए मतलब बाद में जब हमने जब धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू किया तब हम लोग 5-6 लोग ही रह गया, उसके अलावा सबने अपने पढ़ाई में ध्यान दिया, कुछ लोगों ने हॉस्टल चले गई पढ़ाई के लिए, तो हम 5-6 लोग ही थे उसके बाद, और हमने बाद में अपने अपने मतलब क्लब चुन लिया और उस क्लब में हम जाके खेलना शुरू किया। ठीक है, अच्छा, क्या इसमें समाज का और लोगों का प्रेशर भी बहुत अहम था जिसकी वजह से इतने सारे लड़कियों ने जो जिन्होंने शुरू किया उन्होंने छोड़ दिया खेलना? पर हाँ, काफी मुझे कभी कभी ऐसे फील होता है कि इंसान सेम तो नहीं होते, मेरा सोच और लोगों का सोच काफी अलग अलग होते हैं, पर मेरा सोच है कि मैं, बहुत लोगों ने मेरे को बोला था कि काफी जो लड़के हमारे साथ खेलते थे उन्होंने भी बहुत ताना मारा था कि स्टड मुझे दे दो, तुम क्यों खेल रहे हो, और हमने हमें हमें स्टड नहीं मिलता, तुम लोगों है घर वालों से कैसे आराम से मिल जाते हो, ऐसे वगैरह बहुत बोलते थे, पर मैं कभी उन चीजों को दिल में कभी नहीं लिया और मैं छोड़ के आ जाती हूँ कि उन लोगों की बातों में कभी मुझे फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली मैं मेरे मम्मी इतना मेरे को सुनाने के बाद इतना मारने के बाद मैं उनकी बात बिना माने खेल रही हूँ, तो बाकी बाहर के लोगों की बात सुन के मुझे क्या मिलेगा, वो चीज हमेशा मेरे दिमाग में रहते थे, और मुझे लगता है कि हमेशा बेड कमेंट और गुड कमेंट तो हमेशा आएगा लाइफ में, और मैं चुनना चाहती हूँ कि हमेशा जो अच्छा चीज में मेरे को जो मोटिवेट मिलता है वो चीज को मैं अपने दिल में रखती हूँ, और जो जो मुझे डिमोटिवेट हो जाती हूँ उस बातों को सुन के और मुझे अच्छा नहीं लगता तो वो चीज को मैं हमेशा छोड़ के वहीं पे खत्म करके मैं हमेशा निकल जाती हूँ, तो काफी लोगों ने ये मतलब काफी प्लेयर ने वो सब चीजें सुन के बहुत बुरा लगता था उन लोगों कि जब हम लोग से बात करते थे, तो इसलिए शायद कुछ लोगों ने सोसाइटी की वजह से छोड़ दिया है और उनके पेरेंट्स की वजह से, और कुछ लोगों को मतलब पढ़ाई ज्यादा फोकस करना था इसलिए छोड़ दिया है। एक चीज बताइए, आपको पढ़ाई में मन लगता था? पढ़ाई में जब खेलना स्टार्ट नहीं किया था तब तो मैं स्कूल में पढ़ाई अच्छी थी, पर जब मैंने खेलना स्टार्ट किया और उसके बाद बहुत सारे चीजें प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जो मैं जिस क्लब में खेलती थी वो मेरे घर से 1-1.5 घंटा के रास्ता था, और उस टाइम पे गाड़ी मतलब अच्छे से नहीं मिलता था आने जाने का, और घर पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं रहते थे, इसलिए सुबह जाके वापस आने में हमें 11-11:30 बज जाते थे, इसलिए स्कूल जाना भी प्रॉब्लम हो जाती है, और जब स्कूल जाते हैं तो 1-2 सब्जेक्ट होने के बाद मतलब 2 पीरियड या 3 पीरियड के बाद ही स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, तो काफी प्रॉब्लम हुई थी, बट
मेरे मम्मी बहुत डांटते थे कि पढ़ाई को लेके, इसलिए काफी मैंने कोशिश किया था पढ़ाई में भी, मतलब साथ में जाने के लिए। तो मैं अभी भी मैं मम्मी को बोलती थी कि शायद आपने फुटबॉल और पढ़ाई को दोनों एक साथ जाने में मेरा हेल्प किया होता। मतलब ये बोल सकती थी मम्मी को कि तुझे खेलना है तो पढ़ाई भी अच्छे से करना, साथ में लेके जाना। पर मम्मी का यही मानना है कि फुटबॉल नहीं खेलना है, बस पढ़ाई में ध्यान रखना है। तो उस चीजों को लेके मैं काफी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। लेकिन आपने किसी की सुनी नहीं, ये जो ताने आ रहे थे वो आते रहे ताने और आप आगे बढ़ती गई। कब आपको लगा कि, शुरू में तो आपने सिर्फ शौक शौक के लिए शुरू किया था, अच्छा लगता था खेलना आपने शुरू किया, कब लगा कि प्रोफेशनली अब आपको कैरी करना चाहिए फुटबॉल को? 2008 में मैं अंडर 17 इंडिया टीम के लिए कॉल अप आया था। पर उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम मुझे अंडर 17 सिलेक्शन मिल गया था, और जब सिलेक्शन मिला था तब मुझे जब इंडिया का जब जर्सी मिली थी, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करने वाली हूँ और इस जर्सी का क्या करना है, और वहाँ जाके बाहर जाके कितना कौन सी कंट्री के साथ खेलने वाले और वहाँ पे क्या माहौल रहेगा, ये सब चीज़ें मुझे मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं। और जब सिलेक्शन अनाउंस हुआ था तो काफ़ी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए वो लोग रो रहे थे। पर मुझे सिलेक्शन हो गया, फिर भी मैं उन लोग के पास जाके हम लोग आपस में रोए जा रहे थे कि समझ में नहीं आया कि क्या हो रहे थे, क्योंकि मेरे को वो सब चीज़ें का वो नहीं था, आइडिया नहीं था। बट वहाँ से हम लोग मलेशिया गए थे अंडर 17 AFC क्वालिफाई राउंड के लिए, पर वहाँ पे जो हमने रुके थे इतना अच्छा होटल और खाने पीने का बहुत सारे चीज़ें चेंज हुए, और वहाँ पे और जैसे हमने इस जो भी कंट्री के साथ मैच खेला था उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से मेरा प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट किया था। क्योंकि उस चीज़ें पे हमने कभी पता नहीं था कि खेलने से पहले कैसे प्रिपरेशन करना है और क्या रहेगा, ये सब चीज़ें अंडर 17 जो AFC क्वालिफाई राउंड है वहाँ से मैंने सब कुछ सीखने के लिए मिला था, और वहाँ से मेरा प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट किया था। ठीक है, एक चीज बताइए, अब तो आप भाई इंडियन फुटबॉल टीम की कैप्टन है, आपको माना जाता है कि आप एशिया के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर हैं, ये सब कैसे हुआ? क्योंकि इंडिया में ठीक है आपकी मम्मी सपोर्ट नहीं करी थी, जैसे बहुत सारी और लड़कियां हैं जिनको उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो पहले तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगी? मैसेज ऑल तो हम इंटरव्यू के एंड में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हम क्योंकि उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगी जिनकी लड़कियां खेलना चाहती हैं और वो उनको रोकते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मतलब जो भी लड़की है वो लोग मतलब फुटबॉल से लेके कोई भी गेम खेलना चाहते हैं उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बचपन में मैंने कोई मेरा पेरेंट्स का कोई ब्लेसिंग नहीं मिला, तो जब उनकी बाद में मुझे उनकी ब्लेसिंग मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत और मोटिवेट हो जाते हैं। तो बोलना चाहूँगी कि हर पेरेंट्स का ब्लेसिंग एक बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको आगे जाने में और उनकी ड्रीम को पूरा करने में। तो सारे पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हर बच्चे हर लड़की को सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ने में आप लोगों की हेल्प की बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों की एक छोटी छोटी चीज और एक छोटी छोटी बातों में उनको मोटिवेट मिलेगा, उनको और स्ट्रॉन्ग फील करेगा। तो हमेशा चाहे लड़की हो या लड़का हो, सब मतलब हर बच्चे को उनकी जो कोई भी उनको पसंद आता है फुटबॉल या कोई भी गेम में, तो उनको सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। ठीक है, अंडर 17 में आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद की जर्नी कितनी मुश्किल थी या आसान हो गई? उसके बाद जिंदगी आसान हो गई, क्योंकि जैसे ही आपका एक्सपोजर एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है तो आपके स्किल्स को और बेहतर करने की हर दिन जरूरत पड़ती है, आपके स्टैमिना को, आपकी स्ट्रेटजी, आपके प्रैक्टिस, हर चीज को और बेहतर करने की जरूरत होती है। वहाँ क्या चैलेंजेस आए आपकी लाइफ में?
उसके बाद मैं 2010 में अंडर 19 फिर एएफसी क्वालिफाई राउंड के लिए कॉलअप आया था, पर उस टाइम पे बहुत प्लेयर थे सिलेक्शन के लिए, मतलब जब ट्रायल के लिए जो बुलाया था तो काफी हमने वो था, मतलब कंपटीशन था और काफी मेहनत करना पड़ा। उसके बाद जब सीनियर टीम में आए थे तब तो और मेहनत की जरूरत थी मुझे और मेहनत करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे मैं शायद 19-20 इयर्स की थी और काफी सीनियर प्लेयर्स थे, बेम दी, तबावी दी और मलिक दी और बहुत सारे सीनियर्स प्लेयर थे। उन लोगों के साथ मुझे स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था कि कैसे उनके साथ रहेंगे और उन लोग कैसे खेलते होंगे और हमसे बहुत बेटर है तो उनके साथ मतलब खेलने में उनको क्या पसंद रहेगा, और मुझे उनसे बहुत कम रहेगा कि नहीं, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में था। पर वहाँ पे जब स्टार्टिंग में मैं काफी सीनियर प्लेयर ने हेल्प किया था कि जब हमारे मिस्टेक होते थे और मेरे मेरे अंदर क्या कमी है, ये सारी चीजें सीनियर प्लेयर्स ने बहुत हेल्प किया था और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताया था कि हमें घर पे क्या करना चाहिए कि जब कैंप से वापस जाने के बाद, और बहुत सारी चीजें नॉलेज वगैरह दिया था उन्होंने, इसलिए मैं घर आके भी बहुत सारे जो मेरा वीकनेस है उसमें मैंने फोकस किया, काम किया। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब हमें जब प्रोफेशनल नहीं होती थी तब तो हम एक ही चीज में फोकस करते कि प्रोफेशनल लाइफ और सक्सेसफुल तक जाने के लिए, बट जब प्रोफेशनल लाइफ आ गया और जब सक्सेस हो गया उसके बाद और मुश्किल होता है, क्योंकि जो सक्सेस है उसको कैसे हैंडल करना है, उससे हम नीचे नहीं आ सकते, ऊपर जाने की कोशिश करना है। इसलिए बहुत सारे चीजें जो मेरा कमियां है वो चीज ढूंढना और जरूरत पड़ते थे, इसलिए काफी चीजें में हमने और कोशिश किया और उसमें काम करना शुरू किया। तो ये जर्नी पे मेरा बहुत मुश्किल रहा था कि जो सक्सेस होने के बाद। ठीक है, आप एक इंटरनेशनल टीम की कैप्टन हैं आप, लेकिन इस टीम को इंडियन फुटबॉल एज अ होल हम देखें तो एक तरफ इंडिया में जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है क्रिकेट की, एक तरफ क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है, हॉकी की पॉपुलैरिटी है, हॉकी भी अगर क्रिकेट से कंपेयर करें तो उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत कम है, लेकिन फुटबॉल अगर देखें इंडिया में तो कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस को छोड़कर, कुछ स्पेसिफिक जगहों को छोड़कर उतना पॉपुलर नहीं है। कारण क्या मानते हैं, चाहे मेंस फुटबॉल हो या वुमेन्स फुटबॉल हो, दोनों ही उतना पॉपुलर नहीं है जितना इसको होना चाहिए, रीजन क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एक तो स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे फैंस को, क्योंकि उनके सपोर्ट नहीं होगा तो हम पॉपुलर हो ही नहीं सकता, जितना हो सके तो आप लोग हमारे वुमेन्स फुटबॉल और मेन्स फुटबॉल दोनों को सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट आएंगे तब हम पॉपुलर होने का रास्ता खुलेंगे, जब आप लोग हमारे सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम वैसे की वैसे रह जाएगा। पर मैंने काफी चीजें नोटिस किया है कि 3-4 साल में हमने बहुत सारे चेंजेस हुई है वुमेन्स फुटबॉल और मेन्स फुटबॉल में भी, बट जैसे ही आप लोग हमें प्यार करते रहे, हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो आई होप कि हमें भी एक दिन जितना जो क्रिकेट और हॉकी का जो पॉपुलेशन और उनको सपोर्ट करते हैं वैसे ही हमें भी मिल जाएगा। बिल्कुल, हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो सारी पॉपुलैरिटी, सारी फैसिलिटीज, हर कुछ, सारा सक्सेस आप लोगों को मिले। इस वक्त इंडियन फुटबॉल टीम, अगर वर्ल्ड पे हम बात करें, वुमेन्स फुटबॉल टीम कहाँ स्टैंड करता है? पर मैं बोलना चाहूंगी कि अभी वुमेन्स फुटबॉल काफी चीजें में हमने इम्प्रूव किया है, क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल से हमने काफी एक्सपोजर थ्री और यूरोप की कंट्री के साथ भी हमने काफी मैचेस वगैरह खेला है, तो हमारी टेक्निक और टैक्टिक्स और फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रोंग रही है इस साल, और
आई होप कि आने वाले साल में भी और बेटर रहेगा. पर काफी बाहर की जो यूरोप का कंट्री के साथ हमने काफी जो मैचेस खेलने का मौका मिला है वो उसकी वजह से हमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि वहाँ की खेलने के तरीका और हमारे तरीका में बहुत अंतर है, और फिजिकली और स्पीड वाइज वगैरह बहुत डिफरेंस है. पर हमने काफी नोटिस किया है कि उनकी गेम कैसा है, उनको फिजिकली और मेंटली कैसे वो लोग प्रिपरेशन करते हैं, और उनका स्पीड वाइज के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग में भी हमने काफी काम किया है. तो मुझे लगता है कि हम भी इतना कम नहीं है उनसे, बट उसके लिए हमें भी थोड़ा और फिजिकली और स्ट्रेंथ चीज में थोड़ा काम करना पड़ेगा. नहीं, कम तो हम बिल्कुल नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं और जो ठान लेते हैं वो करके ही मानते हैं. एक चीज बताइए कि अभी भारतीय महिला फुटबॉल टीम का सपना क्या है, गोल क्या है, क्या करने वाले हैं आप लोग, क्या चाहते हैं, क्या अचीव करने का टारगेट है हम लोगों का? हमारा एक मतलब टारगेट था कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने का, पर हमें इसके लिए हमें और भी मेहनत करना पड़ेगा. काफी मेहनत की जरूरत है अभी, क्योंकि हमने अभी AFC में हमने इंडिया होस्ट करने के बाद हम कोविड की वजह से अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, और हमने बहुत सबको बहुत बुरा लगा, और मतलब हमारे पूरा जो ड्रीम था वो सब डिस्ट्रॉय हुआ था. सो उसकी वजह से मैं काफी वो थी कि क्या हो रहा है हमारे साथ. पर हम अभी भी हमारे ड्रीम रखी हुई है कि अभी भी दोबारा AFC क्वालिफाई करना और AFC खेलना, और हमें सबसे बड़ा ड्रीम है कि हमें वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके एक दिन हमें वर्ल्ड कप खेल सके. बिल्कुल, ये सपना हर हिंदुस्तानी जरूर देख रहा होगा आपकी बात सुनकर कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई करे. अगर सिंपलीफाई अगर आप कर सके हमारे दर्शकों के लिए कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा, कैसे होगा ये क्वालिफाई? हमें तो पहले अभी फिलहाल AFC क्वालिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक AFC क्वालिफाई नहीं किया तो हमें वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने का रास्ता नहीं है. तो इसलिए पहले हमारे ऑप्शन है कि हमारे पहला ड्रीम है AFC क्वालिफाई करके हमें जो AFC है उसको खेलने का मौका मिले. उसके बाद जब AFC क्वालिफाई होने के बाद अभी पहले वर्ल्ड कप 30 कंट्री का ही होता था, अभी 36 हो गया है. तो मतलब एशिया से हम लोग 8 टीम पार्टिसिपेट करने का वो चांस मिल गया है इस साल से. तो इसलिए हमारे लिए भी और अच्छा चीज़ है कि एशिया से हम 8 टीम क्वालिफाई कर सकते हैं. इसलिए हमें पहले हमें AFC क्वालिफाई करके AFC खेलना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये सपना पूरा जरूर होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरे देशवासियों को विश्वास है इस बारे में. अच्छा, अब आपकी बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि जब हिंदुस्तान में ये बात होती है, एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कहता है कि लड़कियां लड़कों की तरह नहीं होती हैं, स्पोर्ट्स उनके लिए नहीं बना है, ये इनके लिए नहीं बना है, ये इनके लिए नहीं बना है, तो आपको क्या फील होता है, आप क्या महसूस कर पाती हैं उस समय? मैं बोलना चाहूंगी कि मैं कोई भी इंसान या कोई भी जेंडर या कोई भी स्पोर्ट्स मैं कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ किसी के साथ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि लड़का का गेम है, लड़की क्यों खेलती है. पर इसमें भी मैं मानती हूँ कि हर किसी का हक है कमेंट करना और अच्छी बात करना, नहीं करना, जो भी है. पर मैं किसी का मुंह तो नहीं बंद करवा सकते, बट हमें एक चीज है कि हम कुछ करके और दिखा के ही कर सकते हैं. इसलिए हमेशा मेरे दिमाग में है कि जो जिसने भी ऐसे ही बात किया है, ऐसे बोला है, उनके सामने जो अच्छा चीज करके और अच्छा
सेटअप बना के उनको दिखाना ही हमारे काम है, और मैं अपने लिए कर रही हूँ, उनके लिए नहीं कर रही हूँ। क्योंकि जो मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छा फुटबॉलर बनना और एक अच्छा गेम को मैंने छूना है, एक सबसे वर्ल्ड का ब्यूटीफुल गेम है फुटबॉल, तो मैंने इस गेम को चुनने के बाद ये सारे फालतू की चीजें मैं सुनते रहोगे तो मैं आगे जाने में कुछ कामयाब नहीं मिलेगा। इसलिए मैं एक एक ही चीज बोलूंगी कि मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहती और कोई भी गेम के साथ भी नहीं कंपेयर करना चाहती। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए कि जो लोग ताना देते थे जब आपने खेलना शुरू किया था, जी अब उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है? आप भाई, आप इंडियन टीम की कैप्टन हैं, अब जब उनसे मिलती हैं, वो मोहल्ले के लोग जो ताना देते थे या वो जान पहचान के लोग जो ताना देते थे, उनका अब रिएक्शन क्या होता है? अभी तो काफी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है। जब मैं कैंप से वापस घर जाती हूँ तो उन्होंने मेरे लिए छोटा सा रिसेप्शन प्रोग्राम बना के मुझे वेलकम करते थे, और बहुत काफी मोटिवेट वाला चीजें मुझे बोलते थे कि बहुत अभी तो काफी सपोर्ट मिली है उनसे। तो मुझे अच्छा भी लगा कि जब मैंने मेरे पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने मतलब जो चीज बोला है, पर अभी मैंने मेरे पास जो मैंने कुछ चीजें मैंने हासिल करने के बाद उन्होंने मेरा मोटिवेट और काफी चीजें में सपोर्ट किया, तो मुझे बहुत खुश मिली है। कम से कम आपके बहाने जो आपने अचीव किया, जो आपने इतनी सारी बाधाओं को पार किया, बैरियर्स को तोड़ा, इसके बाद आपके आसपास के लोग तो ये हो गए होंगे, क्या वो किसी लड़की को रोकेंगे या टोकेंगे नहीं? अच्छा लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज जानना चाहता हूँ, यंग गर्ल्स जो लड़कियां आपको सुन रही हैं, उनके लिए इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे आपका क्या मैसेज है? मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी नया बच्चे आ रहे हैं फ्यूचर के लिए, जो भी गर्ल्स फुटबॉल को चूज कर रहे हैं या काफी बाकी जो स्पोर्ट्स में चूज करना चाहेंगे, और अपना जो भी ड्रीम है वो पूरा करने के लिए अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल सब लोग हार्डवर्क करते हैं, उसके साथ साथ हमें स्मार्टली काम करना और उस अपना जो ड्रीम को पूरा करने के लिए काफी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर वो स्ट्रगल को हमेशा सामने रख के अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करोगे तो कभी ना कभी तो आपका जो ड्रीम है वो हमेशा पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं इतना ही बोलूंगी कि अपने खुद पे भरोसा करो और हिम्मत रख के काम करोगे तो सब कुछ मिलेगा आप लोगों को भी। अश्वता जी, आप उन लोगों में से हैं देश में जो रास्ता बना रहे हैं कि फुटबॉल में एक दिन हिंदुस्तान का नाम दुनिया को पता होगा कि फुटबॉल की कोई टीम है तो इंडिया की है। वो सपना जब पूरा होगा तब पूरा होगा, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो वहां तक पहुंचाने में देश को फुटबॉल में आप बहुत जी मदद कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।